ठंडाई बनाने के लिए एक बॉल लेंगे। बॉल में 1/4 कप ब्लांच की हुई बादाम, 1/4 कप काजू, 2 टेबलस्पून पिस्ता, 1/4 कप तरबूज के बीज, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून खसखस और 8 से 10 इलायची के दाने मिलाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा केसर मिलाएंगे। अब इसको 2-3 घंटे में ही बनाना है, इसलिए यहाँ पे मैं गरम पानी ऐड कर रही हूँ। आपके पास अगर समय हो तो आप इसे 5 से 6 घंटे तक भिगो के रख सकते हैं। बादाम को ब्लांच करके लेने से ठंडाई का कलर एकदम अच्छा आएगा। अब 2 घंटे बाद सब कुछ अच्छी तरह से भीग गया है। अब यहाँ पे मैंने फ्रेश रोज़ पेटल ली है, वो मिला देंगे। अब सब कुछ एक मिक्सचर जार में पानी के साथ ही ले लेंगे। इसको मिक्सचर जार में लेके एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। सब कुछ ग्राइंड करके एक स्मूथ पेस्ट बनके तैयार है। अब पेस्ट को एक बॉल में निकाल लेंगे। अगर आपको इसकी कंसिस्टेंसी एकदम स्मूथ चाहिए तो आप इसे छानकर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बिना छाने ही ली है। अब इसी पेस्ट से 2 फ्लेवर की ठंडाई बनाएंगे। ठंडाई बनाने के लिए मिक्सचर जार में 2 से 3 चम्मच ठंडाई पेस्ट मिलाएंगे। 3 चम्मच पीसी हुई चीनी मिलाएंगे। आप बिना पीसी हुई चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। 1 ग्लास ठंडा दूध लेंगे और दूध को मिक्सचर जार में मिलाएंगे। मिक्सचर जार को बंद करके ब्लेंड कर लेंगे। मिक्सचर ब्लेंड हो चुका है, अब इसे ग्लास में डालकर सर्व करेंगे। आप इस पेस्ट को दूध में गर्म करके भी ठंडाई बना सकते हैं। ऊपर से थोड़ी सी कटी हुई बादाम और थोड़े से पिस्ता मिलाएंगे, साथ में फ्रेश रोज़ पेटल डालेंगे। 5 फ्लेवर की ठंडाई बनाने के लिए मिक्सचर जार में 2 से 3 चम्मच पीसी हुई ठंडाई की पेस्ट मिलाएंगे, 3 चम्मच पीसी हुई चीनी मिलाएंगे, 3 से 4 पान के पत्ते मिलाएंगे, साथ में 2 चम्मच गुलकंद, 1/4 फ्रेश गुलाब की पंखुड़ी मिलाएंगे। अब इसके साथ ही 1 ग्लास ठंडा दूध मिलाएंगे। अब मिक्सचर जार को बंद करके अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो 5 फ्लेवर की ठंडाई बनके तैयार है। मिक्सचर जार में सिर्फ ब्लेंड हो रहा है। अगर आप 5 फ्लेवर की ठंडाई बनाते समय पहले आप एक बार चलाकर अच्छी सी पेस्ट बना ले और बाद में ये पेस्ट आप ठंडाई बनाते समय मिला सकते हैं। तो 2 फ्लेवर की ठंडाई बनके तैयार है। आप भी एक बार ये ड्रिंक बनाकर ज़रूर देखिए।